इस तलाक के बाद शहनशाह को मुकर्रर मेहर की रकम जोधा बेगम को अदा करनी होगी। हम मंजूर है। और वो रकम ये है 1 लाख अशर्फियां सोने की, 1 मन मोती, 10 नग हीरे, 30 नग मानिक, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी और 5 सेर जेवरात। बस इतनी ही मेहर? हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें इससे कहीं अधिक चाहिए। मगर इतनी ही मेहर मुकर्रर हुई थी मल्लिका हिंद? नहीं, ये कम है। जब एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल आती है तो वो ना केवल ये मेहर लेकर आती है बल्कि न जाने कितनी खुशियां, कितने संबंधों को बुनती है अपने ससुराल में, जैसे हमने बुने हैं, हमने बनाए हैं। अम्मी जान और हमारा संबंध, शहंशाह और हमारा संबंध, इस महल की बेगमातों के साथ हमारा संबंध। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हर जाना पूरा हुआ, मगर ये तो बस 2 बालियां हैं। क्या इनकी कीमत इतनी सारी दौलत के सामने ठीक है? देखा जाए तो बस इन्हीं की कीमत है। हमारी सासू माँ ने हमें ये दी है, हमारी अम्मी जान ने। मरियम मकानी की बालियां हैं ये, सल्तनत का गर्व है, सल्तनत का गौरव है। और इसके आगे इन सोने चांदियों के टुकड़ों का क्या महत्व? हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। जिंदगी में पहली बार हमने तुमसे एक चीज मांगी थी जोधा, और तुमने इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका तलाक स्वीकार है। और अब हम यहां से जाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। और हम शहंशाह अम्मीजान कौन रोकेगा? मत भूलो जलाल, अगर तुम शहंशाह हो तो हम मरियम मकानी हैं। हम कह रहे हैं कि तुम जोधा बेगम को तलाक नहीं दोगे। ऐसा क्या किया है जोधा ने तो तुम उसे तलाक दे रहे हो? सिर्फ ये
कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया, आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो हमारे, तुम्हारे और सल्तनत के लिए किया है। बेशक मीशा, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद ये अपना मजहब बदलने गए, जो हमें नागवारा है। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी अम्मी जान, क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी। हमने इन्हें मजहब बदलने के लिए मजबूर किया, हम कबूल करते हैं हमारी वजह से जोधा मजबूर हुई मजहब बदलने के लिए। हमने पहले उन्हें सीधे सीधे मजहब बदलने के लिए कहा था, मगर इस बार हमने उन्हें मजबूर किया। हम इस जंग को रोकना चाहते थे, हजारों जिंदगियों को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने खाना पीना छोड़ दिया। और एक बेटी जो अपनी माँ से बेअंतहा मोहब्बत करती है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहा सिवाय इसकी कि वो अपना मजहब बदल ले। अगर कोई कसूरवार है तो हम हैं जलाल, जोधा बेगम नहीं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस सब की हमारी बेटी को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तुम अगर शहंशाह हो, हम शहंशाह की वालिदा हैं और हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम जोधा को तलाक नहीं दोगे। नहीं समझ पाएंगे, जैसे एक सास और एक बहू का रिश्ता। क्या अभी इसी वक्त आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे कि हमने जोधा बेगम को तलाक देने का नाटक किया? हम वाकई में उन्हें तलाक नहीं देना चाह रहे थे। हम अच्छी तरह जानते थे कि आप अपनी मर्जी से मजहब बदलने नहीं गए थे। हम जानते थे कि मीजान ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था, और अब आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने हमें ऐसा कहा। आप दोनों को देखकर ही ये बात जाहिर हो गई थी, लेकिन हम बस आपको ये एहसास कराना चाह रहे थे कि देखिए कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। हम बस आपको एहसास कराना चाहते थे कि अपनी जिस बेटी के लिए अब हमसे लड़ जाया करती थी, आज उसी के खिलाफ खड़ी है। हमने वहां एक जंग लड़ी, उस पर फतह हासिल करी, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भी एक जंग है तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उस जंग को खत्म करें, क्योंकि आप दोनों ने एक माँ एक बेटी के रिश्ते की मिसाल कायम की है। तलाक दीजिए, मेहर दीजिए, और पीछा छोड़िए हमारा। मतलब ये कि आपसे तलाक पाकर हमें मुआवजा मिलेगा, जिसमें बहुत सारा धन मिलेगा, धन पाकर हम धनी हो जाएंगे और फिर आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब अब रुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, और ना केवल हम आपको छोड़कर जाना चाहते, बल्कि सारे परपंचों को, सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सबको त्यागना चाहते हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो नाटक सिर्फ अम्मी जान को समझाने के लिए किया था, पर हम नाटक नहीं कर रहे हैं शहंशाह। अब तो रुकने के लिए क्या करें हम? अगर आप चाहते हैं तो आपकी इसी बात घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी मांगे, या फिर जिस तरह से आराम बनो और तक बैठे करते हैं ना, वो करेंगे हम आपके लिए। तो आप हमें रोकना चाहते हैं? जी, पर केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत कुछ करना होगा। अब बस हुक्म फरमाइए। पहले बताइए, सब करने के लिए आपके पास समय होगा? कितना वक्त लगेगा? सुबह भी हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी हम आपको याद करें तो सारे काम छोड़कर आपको हमारे साथ बगीचे में आकर सैर करनी होगी। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।